लेकर के मधुमंगल सुदामा श्रीदामा के साथ में कन्हैया के साथ में जाकर के खाने के लिए जैसी जाते हैं तो मन में हिचक रहती है, यह शर्मिंदा रहती कि 3 दिन पुरानी कैसी खिलाऊंगा कन्हैया को। कन्हैया मेरा प्यारो मित्र है, इस कुंड में आकर के स्नान करते हैं अथवा इसका दर्शन करते हैं, केवल दर्शन मात्र से ही, इस कुंड के दर्शन मात्र से ही उनको भगवत प्राप्ति होती है, ठाकुर जी का उनको दर्शन होता है, उनकी अनुभूतियां होती हैं। एक जय श्री राधे सभी भक्तों को, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी के मध्य में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग आज दर्शन, हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन का सबसे सुप्रसिद्ध स्थान, सबसे सुप्रसिद्ध कुंड ब्रह्म कुंड का। आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं, तत्पश्चात आपको सर्वप्रथम आप सभी लोग ब्रह्म कुंड का दर्शन करें, उसके बाद यहाँ के महात्म्य के बारे में, यहाँ की क्या विशेषता है, क्या हमारे पुराणों में, क्या हमारे शास्त्रों में, क्या उपनिषदों में ब्रह्म कुंड का जो वर्णन साधु संत महात्माओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा जो किया गया है वो आपको बाद में बताएंगे। सर्वप्रथम आप ब्रह्म कुंड का दर्शन करें। और मित्रों, तब तक आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन का सुप्रसिद्ध स्थान ब्रह्मकुंड का सभी लोग दर्शन करें, इसका लुप्त लाभ सभी भक्त अपने घर बैठे ले ले, तब सभी लोग चैनल को जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, ये इसका गेट है, आप सभी लोग अगर आप उतरेंगे सर्वप्रथम इसी मार्ग से आप लोग ब्रह्मकुंड का दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फुलवाड़ियाँ यहाँ पे, साधु संतों की सेवा का यह फल है, सभी साधु संत महात्मा यहाँ आकर के, बड़े बड़े विरक्त संत महात्मा, वैष्णव विप्र संत महात्मा आकर के यहाँ पे भजन करते हैं। आप सभी लोग ब्रह्मकुंड का दिव्य दर्शन करें और ठाकुर जी की लीला, बड़ी सुंदर लीला होती है, देखिए बंदरों का भी यहाँ पर आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फुलवाड़ियाँ हैं, पीपल का वृक्ष है, और आप ब्रह्मकुंड का दिव्य दर्शन करें। आप सभी लोग ब्रह्मकुंड का दर्शन कर सकते हैं, एक बार पुनः दर्शन करें, और दर्शन करने पर राधे राधे जरूर लिखिएगा, अपने आपकी सारी मनोकामनाएं ब्रह्मकुंड भगवान, हमारे जो वैकुंठाधिपति हमारे कन्हैया हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको ब्रह्मकुंड के महात्म्य के बारे में बताते हैं। तो मित्रों, आप अगर वृंदावन आते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा के भीतर ही यह ब्रह्मकुंड आ जाता है, और आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, यदि आप वृंदावन आते हैं हमारे गोपेश्वर महादेव के मंदिर के पास ही और रंग जी के पास में, दाईं ओर रंग जी का मंदिर है दिव्य स्थान, और बाईं ओर गोपेश्वर महादेव का सिद्ध पीठ है, सिद्ध मंदिर है, और ऐसे दोनों रमणीय स्थानों के मध्य में ब्रह्मकुंड ऐसे विराजता है, और आप सभी लोग एक बार वृंदावन जरूर विजिट करें तो ब्रह्मकुंड का अवश्य दर्शन करें। और ब्रह्मकुंड के महात्म्य आपको बता दें, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में आया है कि ब्रह्मकुंड पे एक बार की बात है, जब कन्हैया अपने सभी सखाओं के मित्रों के साथ में टहल रहे थे, नाचते थे, घूमते थे, गैया चराते थे, तो नित्य प्रतिपद कभी कभी वो अपने सखाओं को बोलते थे कि मैं वैकुंठाधिपति हूँ, मैं राजा हूँ। तो जब ये बात बार बार सखा बोलते थे, बोले तो हमारे साथ खेलो है, हमारे साथ घूमो है, हमारे साथ फिरो है, हमारे साथ गैयान को चराओ है, तो कैसे तू वैकुंठाधिपति है, कहाँ तेरा वैकुंठ है और कहाँ का तू अधिपति है। तो ये बात जब कन्हैया को, जब उनके सखा मधुमंगल श्रीदामा सब लोगों ने जब तम सुखा मन सुखा ये बात को बोले, तो भगवान के हृदय को जाकर के छूके लग गई। भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा, हे ग्वाल वालों, आप जाकर के इस कुंड में स्नान करो, और इस कुंड के स्नान करने के तत्पाश जैसे ही सारे मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा जब भगवान के पास में आए, भगवान ने उनसे आंखें बंद करने के लिए कहा, और आंखें जैसी सभी ब्रजवासियों ने आंखें बंद करी, उसके बाद सदैव भगवान ने वैकुंठ का उनको दर्शन कराया। और आश्चर्य की बात तो ये थी, वैकुंठ में जैसे ही उन्होंने दर्शन किया, हमारे ठाकुर जी सिंहासन में बैठ करके उनको, कई सारे सेवक उनके दास दासियाँ उनको चवर डुला रही थी, कोई उनकी सेवा में लगे थे, और जब देखा तो बोले ये तो हमारा वही कन्हैया है और यहाँ वैकुंठ का अधिपति है। और जैसे ही जाने के अंदर दुस्साहस किया, जाने की जब इच्छा करी, चेष्टा करी, तो उन्होंने द्वारपालों ने उनको रोकने का दुस्साहस किया। उसके तत्पश्चात जैसे ही अब जितने भी ग्वाल बाल थे, उन्होंने जब भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो हमको ब्रजवासी ही, हमारे साथ जो खेलते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, हमें वही आप आनंद आता है, हमको वैकुंठ में वो आनंद नहीं, जो ब्रज में गैया चलाने में आनंद है, जो ब्रज में माखन खाने में जो आनंद है, जो आपस में लूटपाट खेलने का जो मन करता है, गंगा जी में, जमुना जी में स्नान करने को मन है, जो
माखन खाए को मन करता है, वो वैकुंठ में आनंद नहीं है। तो इसीलिए हे कन्हैया, मुझे तो आप ब्रजवासी में ही, आप ब्रज में ही अच्छे लगते हो, आप हमारे साथ, हमारे कन्हैया अच्छा लगे है, आप वैकुंठाधिपति अच्छो ना लगो। तो भगवान से प्रार्थना करिए और उसके बाद सदैव उनको ब्रज में ही आकर के वो साथ में फिर अपनी लीला, जो गैया की लीला कर रहे थे, वो लीला करने लगे। तो मित्रों, जिस प्रकार आपने भागवत महापुराण की इसका महात्म्य सुना, उसी प्रकार ब्रह्म पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कई कई ग्रंथों में, कई कई उपनिषदों में, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और हमारे 18 पुराणों में एक पुराण है वराह पुराण। वराह पुराण में ये वर्णन आया है, एक बार की बात है, कन्हैया अपने सभी सखाओं के संग में जब खेल रहे थे, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, तो उसमें से सबसे मुख्य भगवान के मधुमंगल जो मित्र थे, इनकी ये लीला थी, ये कभी अपने घर से माखन चोरी नहीं करते थे, दूसरों के घर से माखन चोरी करके अपना यापन करते थे, खूब आनंद लेते थे। यह बात कन्हैया को पता थी, सारे ब्रजवासियों को यह बात पता थी, सारे ग्वाल वालों को यह बात पता थी कि कभी मधुमंगल अपने घर से माखन नहीं लाता है खाए को। तो आज कन्हैया ने मधुमंगल जी से कहा कि आज तू अपने घर से माखन लाएगो, सब ब्रजवासियों को खिलाएगो, सभी ग्वाल वालों को लुटाएगो। तो आज मधुमंगल से जब घर में जाकर के मधुमंगल ने अपनी मैया से बोला कि मैया, आज तो कन्हैया ने मुझे शर्त रखी है कि अगर मैं आज अगर घर से माखन ना लाऊंगा खाइबे को, तो आज सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो आज मैया से जैसी मधुमंगल बोलते हैं, आज मैया मधुमंगल से बोलती है, मधुमंगल बेटा, तू तो सबरे कभी नहीं लिखाता है घर से, तू तो रोज उन्हीं के बजबाशियों के वहीं घर जाके खाता है, तो मैं तुमको क्या दूँ। 3 दिन पड़ी हुई पीताम्बरी, जिसको बोलते हैं ब्रज की भाषा में छाछ को, जो कड़ी बनाई हुई थी, 3 दिन पुरानी कड़ी आज लेकर के मधुमंगल सुदामा, श्रीदामा के साथ में, कन्हैया के साथ में जाकर के खाने के लिए जैसे ही जाते हैं, तो मन में हिचक रहती है, यह शर्मिंदा रहती है कि 3 दिन पुरानी कैसी खिलाऊंगा कन्हैया को, कन्हैया मेरा प्यारो मित्र है। तो जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचते हैं, शर्म के मारे अकेले अकेले जो कड़ी थी उसको पीने लगते हैं, तो सभी ग्वाल बाल उनको जाकर के कन्हैया को बताते कि देखो मधुमंगल अकेलो अकेलो खा रहो, आज भी घर से तो लाए हो पर अकेले अकेलो खा रहो, हमको ना खिला रहे हो कछु। तो जैसे ही बोलते हैं तो कन्हैया जाकर के, जैसे ही कन्हैया को दौड़ते हुए अपने पास आकर के मधुमंगल जी देखते हैं, वे मधुमंगल सारी कढ़ी को अपने मुंह में डाल लेते हैं, जैसी आधी कढ़ी तो पेट में चली जाती है, कन्हैया को देख करके आधी कढ़ी मुंह में रह जाती है, मुख में रह जाती है। और कन्हैया की इतनी सुंदर लीला है, दशम स्कंद में यह लीला का वर्णन है भागवत जी के। तो जैसे ही कन्हैया जाते हैं, उसके मुख से आधी कढ़ी को अपने मुख में धारण करके उसको ग्रहण कर लेते हैं। यह कन्हैया का ही, ये हमारे ठाकुर जी ही कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं, अधियंता हैं, ऐसी लीला हमारे ठाकुर जी ने करी। जैसे ही यह लीला करी, क्योंकि वो चाहते थे कि मधुमंगल के ऊपर जो अन्न का जो कर्ज है, वह कर्ज मैं तार दूं, इस कारण से उन्होंने यह लीला करी। और उसके बाद में इस लीला को देख करके ब्रह्मा जी ने जब इस लीला को देखा ब्रह्मलोक से, तो ब्रह्मा जी देख करके शंका करने लगे। आज ब्रह्मा जी महाराज जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, आज उनको भगवान पे शंका होने लगी। कहते हैं कि जिसको संशय आत्मा विनश्यति, गीता जी में भी कहा है, जिसको अगर किसी पे संशय हो जाए, सभी चीज़ों का इलाज है, पर जहाँ संशय होता है, संशय का कोई भी इलाज नहीं है। ब्रह्मा जी को जब संशय होने लगा भगवान पर, जो ब्रह्म के जो वैकुंठ के जो अधिपति हैं, उन पे शंका होने लगी। तो आज कन्हैया को जब यह बात पता चली कि मुझ पे आज मेरी इस लीला पे, ब्रह्मा जी सोचने लगे यह कैसा भगवान है। तो भगवान ने एक नई लीला यह करी कि ब्रह्मा जी को इसका पश्चाताप हो, उन्होंने सबरे ग्वालवारों के साथ में गैया लीला जो चारण की, जो गैया चारण किया, जो गैया को चराने की जो लीला करी, वो इसीलिए करी। और यशोदा से यह प्रार्थना करी कि आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ से माखन नहीं खाऊंगा, जब तक आप मुझे गैया चराए को ना जान दो। तो जैसे ही गैया चराने के लिए भगवान को जब आज्ञा दी गई माँ यशोदा नंद बाबा के द्वारा, तो वे रोज कहीं ना कहीं जितने भी उनके 7 वर्ष की आयु में उन्होंने एक से एक लीला करी। इस लीला को देख करके सभी ब्रजवासी बड़े ही अचंभित थे, जैसे उन्होंने कंस का वध किया, उन्होंने कालिया मर्दन किया, उन्होंने कई सारे बहुत सारे बकासुर अकासुर सभी को मारा, सारे मर्दन किए, इस प्रकार की जो उन्होंने लीला करी। और ब्रह्मा जी को यह सब लीला दिखा करके कि मैं वैकुंठाधिपति हूँ, आप मुझे इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप मुझ पर शंका मत करिए। इसके बाद जब ब्रह्मा जी को जब पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने यही कुंड, इसी ब्रह्म कुंड पर आकर के पश्चाताप किया, उन्हीं के अश्रुधारा से बह करके यह कुंड बना। उसके बाद जो भी संत महात्मा विप्र, जो भी भक्त या इस कुंड में आकर के स्नान करते हैं अथवा इसका दर्शन करते हैं, केवल दर्शन मात्र से ही, इस कुंड के दर्शन मात्र से ही उनको भगवत प्राप्ति होती है, ठाकुर जी का उनको दर्शन होता है, उनकी अनुभूतियां होती हैं। एक बार जो हृदय से आकर के यहाँ का दर्शन करता है, आप सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ब्रह्म कुंड का अवश्य दर्शन करें। और ब्रज में जब भी आवें,
ब्रज की परिक्रमा करें। गोपेश्वर महादेव के पास में, श्री रंग जी मंदिर के पास में ब्रह्मकुंड का स्थान यह दिव्य मनोरम स्थान है। यहाँ आकर के बैठें, सुंदर वातावरण है, स्वच्छंद हवा, शुद्ध वायु, वहाँ पे तरल गंगा बह रही है। तो आप सभी लोग आकर के यहाँ बढ़िया सुंदर ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मकुंड का दर्शन करें। और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए हम यहीं पर आप सभी से विदा लेते हैं और पुनः आपको ब्रज के दूसरे स्थान का हम लोग दर्शन कराएंगे। एक बार पुनः आप अंतिम समय में ब्रह्मकुंड का दर्शन करें और अपने सभी पापों को तक्षण नष्ट करें। जय श्री राधे।